फ्रेंड्स, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास कॉन्वेक्स सेट एंड दियर प्रॉपर्टीज। हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, उसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं, हम ये सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, कि क्योंकि उन डेफिनेशन का हमें यूज होता है उनके थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास फेजिबल सॉल्यूशन। फिर फेजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ आर डिसीजन वेरिएबल एक्स जे, जो भी डिसीजन वेरिएबल होते हैं हमारे पास, जैसे कोई एलपीपी है हमारे पास, तो उसमें जो भी कंस्टेंट होते हैं उन कंस्टेंट को जो भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में नॉन नेगेटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे जो सेट है, ऐसे जो वैल्यूज हैं उनको हम कहते हैं कि वो जो जो सेट बना रहे हैं वो फेजिबल सॉल्यूशन है, उनका जो सॉल्यूशन में रीजन है वो फेजिबल रीजन है। सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल एक्स जे जेवर आर 1 to n विच सेटिस्फाई द कंस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन ऑफ जनरल एलपी मॉडल एंड सेट टू बी कॉन्स्टिट्यूट द फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपी मॉडल। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन फॉर अ सेट ऑफ m इक्वेशन इन n वेरिएबल, यानी m से m इक्वेशन है उसमें एलपी प्रॉब्लम में और n वेरिएबल, तो अधिकतर जो होता है हमारे पास वही होता है कि n ग्रेटर देन m होता है, बहुत ही कंडीशन कम होती है जिनमें हमारे पास m कम हो, m ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन बहुत ही कम मिलती है हमारे पास। तो फॉर अ सेट ऑफ m इक्वेशन इन n वेरिएबल आ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग n माइनस m इक्वेशन, यानी n माइनस m इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो दोनों तरफ हमारे पास m वेरिएबल बच जाएंगे और m ही इक्वेशन बच जाएंगी। तो उसके बाद जो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलता है, जो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, फॉर अ सेट ऑफ m इक्वेशन इन n वेरिएबल अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग n माइनस m वेरिएबल इक्वल टू जीरो एंड सॉल्विंग फॉर रिमेनिंग m इक्वेशन इन m वेरिएबल इज कॉल्ड द बेसिक सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स आता है हाइपरप्लेन क्या कहते हैं। हाइपरप्लेन हम जानते हैं, जैसे इक्वेशन जो C1x1 + C2x2 C1 और C2 दोनों कांस्टेंट है इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ R2, यानी कि R2 यानी कि 2D में एक लाइन को शो कर रहा है। इस तरह से हम 3D में देखते हैं तो C1x1 + C2x2 + C3x3 इक्वल टू जेड, ये हमारे पास R3 में एक प्लेन को शो कर रहा है। इसी तरह RN या n डायमेंशन में शो करने के लिए C1x1 + C2x2 · CN xN जो होगा n डायमेंशन में हमारे पास प्लेन को शो कर रहा होगा। तो इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं कि यह हाइपर प्लेन की इक्वेशन है। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जेड दिस हाइपर प्लेन इज कॉल्ड ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, यानी कि जिस वैल्यू पे हमारे पास इसकी वैल्यू ऑप्टिमल आई है, मैक्सिमम आया मिनिमम कुछ पूछा होगा उसमें, तो वो कहलाता है हमारे पास ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। अब हमारे पास जो आता है वो हमारे पास ओपन हाफ स्पेस। ओपन हाफ स्पेस फ्रेंड क्या होता है, जो हाइपर प्लेन होता है या तो वो CX लेस देन इक्वल टू जेड होगा या CX ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, CX लेस देन जेड होगा या CX ग्रेटर देन जेड होगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। अगर उसमें इक्वल का साइन आता है तो वो हो जाता है हमारे पास क्लोज हाफ स्पेस, यानी जो अगर एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है, कोई सा भी एक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास हाफ स्पेस, यानी क्लोज हाफ स्पेस। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, किसी दो पॉइंटों को जो मिलाने वाला जो लाइन होती है और उस पॉइंटों को सारे पॉइंटों का जो सेट होता है, यानी x1 कोई पॉइंट है और x2 कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को जो मिलाने वाले लाइन होगी, उस लाइन पर जो भी हमारे पास पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंटों का जो सेट होगा वो लाइन सेगमेंट होता है। इन RN में देखते हैं तो हमारे पास द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 एंड x2 डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ पॉइंट x = λ(x1+1−λ)x2 जहां पे लैम्डा है वो 0 to 1 के बीच में है। फिर 0 to 1 के बीच में ये है, इसलिए इसका मतलब है जो इससे लैम्डा की अगर हम वैल्यू पुट करें तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास या तो x1 से छोटी आएगी और x2 के बीच में, यानी x1 और x2 इन दोनों के जो बीच में जो पॉइंट होंगे वही पॉइंट आएंगे हमारे पास। तो उस उनके बीच के जो पॉइंटों का जो सेट होता है, एक लाइन के बीच के दो जो पॉइंट होते हैं, एक लाइन के जो भी पॉइंट होते हैं बीच में उन पॉइंटों का जो सेट होता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स सेट की। डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है। डेफिनेशन जो है,
A set C in n dimensional space is said to be convex if for any two point x1 and x2, यानी कि उसमें कोई भी हम दो पॉइंट ले लें, कहीं ले लें उसी में से, सेट में से, पर कहीं भी ले लें हम, उनका जो सेट होगा इन द सेट सी में से ले लेंगे द साइन लाइन सेगमेंट, यानी जो उनको लाइन जो जिस लाइन से मिलाएंगे वो जो उसको हम शो करते हैं x1 एंड x2 से, इससे जॉइनिंग दीज